हाय गाइस, हमारे स्वाद के मित्रों, आज हम ब्रोकली का सब्जी बना रहे हैं। ब्रोकली एक काफ़ी फायदेमंद और सेहतकारी सब्जी है और ये काफ़ी टेस्टी खाने में लगता है। तो ब्रोकली के सब्जी के लिए हम लिए हैं यहाँ 500 ग्राम ब्रोकली, 250 ग्राम प्याज, 1 कप टमाटर कटा हुआ, 2 मीडियम साइज का टमाटर है, और 1/2 कप मटर, 1/2 कप धनिया पत्ती और 1/2 कप हरा प्याज लिए हैं, और 2 बड़े आलू लिए हैं, और 1 शिमला मिर्च मीडियम साइज का लिए हैं। यहाँ देखिए, हम काली मिर्च पाउडर लिए हैं 1/4 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच 5 फोरन, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच और 1 बड़ी चम्मच किचन किंग और ऑलिव ऑयल लिए हैं। और अब हम ब्रोकली का सब्जी बनाते हैं, देखिए कितना अच्छा। हम इसमें 1 बड़ी चम्मच ऑलिव ऑयल लेते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम जीरा डालते हैं और 5 फोरन डालते हैं, और ये हमारा चटक गया है, और चटकते ही अब हम इसमें प्याज डालेंगे। इसमें हम 250 ग्राम प्याज डाले हैं और प्याज को सुनहरा होने तक भुनेंगे। जब तक हमारा प्याज भुना रहा है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें हम ये 1 चम्मच लाल मिर्च लिए थे, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर है, ये 1/2 चम्मच गरम मसाला है, हल्दी 1/2 चम्मच है, और ये किचन किंग 1 बड़े चम्मच है। अब इसमें हम 1/4 कप पानी मिला लेते हैं और इसे मिला लेंगे। इसे हम चम्मच से मिला लेते हैं, जब तक हमारा प्याज भुनाएगा तब तक ये मसाला हमारा पानी में घुल जाएगा और अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। यहाँ हम चूँकि पाउडर मसाला ले रहे हैं इसलिए इसे पानी में भिगोना ज़रूरी था। यहाँ हमारा प्याज सुनहरा हो गया है, इसमें हम टमाटर डाल देते हैं। टमाटर डालकर थोड़ा भून लेते हैं। अब इसमें हम शिमला मिर्च डालते हैं, 1 मीडियम साइज का शिमला मिर्च यहाँ हम लिए हैं, और इसे हम थोड़ा भूनते हैं। अब हम इसमें 1/2 कप मटर डालते हैं, और ये जो मसाला हम लिक्विड तैयार किए हैं वो अभी नहीं डालेंगे, अभी इसको मटर डालकर थोड़ा भून लेते हैं। हमारा मटर भी भुना चुका है 2 मिनट, अब तक टोटल 5 मिनट हमारा पक चुका है। अब इसमें हम मसाला तैयार किए हैं, ये मसाला डाल लेते हैं और इसे भूनते हैं 5 मिनट। ये हमारा मसाला देखिए भुना चुका है, तेल छोड़ दिया है मसाला से इस तरह। अब हम इसमें ब्रोकली डालेंगे, ये 500 ग्राम ब्रोकली है हमारा। अब ये ब्रोकली डालकर हम इसे 5 मिनट तक भुनेंगे, और इसमें हम 2 कटा आलू भी डालेंगे जो कि बॉयल करके हम रखे थे, ये आलू भी हम इसमें ऐड करते हैं, और 5 मिनट तक कि इससे हम भूनते हैं ताकि मसाला चारों तरफ मिक्स हो जाए। इसे हम और 5 मिनट भून चुके हैं, अच्छी तरह भुना चुका है। अब इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे, इसमें हम पानी डाल दिए, देखिए ये डूबने तक पानी डालेंगे, इतना कि ये सारा सब्जी हमारा डूब गया कढ़ाई में। और अब इसमें हम 2 हरी मिर्च डालते हैं जो कि हम रखे थे, आप तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तीखा कम पसंद करते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। यहाँ 2 हरी मिर्च हम कट कर डाल देंगे इस तरह से। और 1 बड़ी चम्मच इसमें नमक का आवश्यकता होगा, नमक आप स्वादानुसार डालेंगे, यहाँ हम 1 चम्मच नमक का उपयोग कर रहे हैं। और हरा प्याज हम जो 1/4 कप रखे थे उसे डाल देते हैं।
अब इसे हम ढक कर 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट पक चुका है, अब इसमें हम श्रद्धा अनुसार धनिया पत्ती डाल देते हैं, जितना धनिया पत्ती डालना है डाल दें, और ये गैस को ऑफ कर देते हैं।